हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मूवमेंट एरिया मेथड मूवमेंट एरिया मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सपोज ये हमारा बीम है इधर ये साइड हमारा फिक्स्ड है ए साइड हमारा फिक्स्ड है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जो है ये डब्लू लोड लग रहा है ठीक है पॉइंट लोड लग रहा है ये डब्लू तो जो है वो पॉइंट लोड लग रहा है एंड हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी पे तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम स्लोप हमारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा थीटा बी ए मीन्स ये बी एंड ये ए इसको हम लिख सकते हैं थीटा बी माइनस थीटा ए एंड थीटा ए को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ये थीटा ए जो है ना वो हमेशा उस पॉइंट पे लेना चाहिए जहाँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जीरो हो ठीक है तो पॉइंट ए पे क्या है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जीरो है क्यों जीरो है बिकॉज ए पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है तो थी, थीटा बी माइनस थीटा ए हमारा क्या आ जाएगा एरिया क्या फॉर्मूलाता है थीटा ए बी माइनस थीटा ए का एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी टू ए से लेके अब डिवाइडेड बाई e तो ये हमारा ए जो है ये हमारा जीरो है डीवाई बाई डी एक्स तो थीटा बी माइनस जीरो तो ये हमारा थीटा बी क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी टू ए से डिवाइडेड बाई e ये तो हमारा आ गया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे अभी हम इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो हमने जस्ट आ, देखा है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं क्या बेसिक्स हैं तो डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वाई बी ए मीन्स वाई बी माइनस वाई ए क्या फार्मूला होता है इसका इसका वाई ए भी इसका जीरो होता है ठीक है वाई ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने ये ए पॉइंट पे लिया जहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों जीरो हैं है, है ना तो वाई ए हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो वाई वाई बी हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी टू ए इंटू ये सी जी है हमारा एक्स बार सी जी ठीक है डिवाइडेड बाई ई आई अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए थोड़ा और क्लियर हो जाए कि ये चीज़ क्या है ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अभी अ कैंटी बीम विद पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एक कैंटी बीम है ठीक है एंड uh, ये एक पॉइंट इसका फिक्स्ड है एक ये फ्री एंड पे इसका वेट लग रहा है डब्लू एंड ये डिस्टेंस एल है ठीक फर्स्टली हम बी एम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एक सेक्शन लिया लिया कहीं भी ले सकते हैं एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम बी एंड बी एम इक्वेशन लिखेंगे तो मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स कितना है डब्लू एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स तो ये डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है दैट्स वाई माइनस Wx एक्स तो बी एम जो है वो x x डिस्टेंस पे एट x डिस्टेंस कितना लग जाएगा हमारा माइनस डब्ल्यू एक्स ठीक है एंड बी एम बी पे क्या है ये ज़ीरो x इजिकल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमारा क्या आएगा बी एम बी पे हमारा ज़ीरो आ जाएगा एंड हम x इजक्ल टू एल रखेंगे तो बी एम ए हमारा आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल तो ये हमारा बना दिया हमने बी एम डी इस पे ज़ीरो एंड ए पे माइनस डब्ल्यू एल जब हमने x की जगह एक बार जीरो रखा तो ये जीरो आया एंड दूसरी बार हमने x की जगह l रखा तो ये हमारा l आया और माइनस डब्ल्यू एल आया हमने जो मोमेंट निकाला मोमेंट अगेन फोर्स इंटू पर डिस्टेंस ठीक है अब क्या है कि हम अब स्लोप फाइंड आउट करेंगे पहले कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं क्या था हमारा थीटा बी माइनस थीटा ए ए पॉइंट तो हमारा फिक्स है तो ज़ीरो हो जाएगा स्लोप डिफ्लेक्शन है ना तो जीरो हो गया तो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बी टू ए अपॉन्ट में ई आई तो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बी टू ए मीन्स ये थीटा बी हमारा यहीं पे आ जाएगा थीटा ए हमारा जीरो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू बेस हमारा क्या आ गया डब्ल्यू एल एंड हाइट हमारी आ गई एल ठीक है ना अब डिवाइडेड बाई ई तो स्लोप हमारा कितना आ जाएगा थीटा बी इज इक्वल टू डब्लू एल स्क्ट में टू ई आई नौ डिफ्लेक्शन निकालते हैं डिफ्लेक्शन में भी वाई ए हमारा ज़ीरो हो जाएगा हमने अभी पहले ही मैंने अभी पहले ही बोला था स्टार्टिंग uh, में ही कि ये जो थीटा ए है वो हमेशा उस पॉइंट से लेना चाहिए जहाँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो तो पॉइंट ए ज़ीरो है क्यों जीरो है क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है है ना तो थीटा uh, यहाँ पे भी वाई ए हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो वाई बी माइनस जीरो इज इक्वल टू हाफ इं टू डब्ल्यू एल इन् टू एल इंटू टू एल अपॉन में थ्री अपॉन में ई आई ये हमारा एक्स बार जो है ये मीन्स ट्राइंगल का सीज लेंगे ठीक है पॉइंट बी से तो हमारा वाई भी कितना आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में थ्री ई आई तो ये हमारा आ गया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी अगर आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे और वीडियो चाहिए हो या किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा I hope you like this video. And if you like this video, then please do like, subscribe, and share my channel. Thank you for watching.